नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। संकल्प बता रहे हैं, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। तो मोदी सरकार के फैसले के 5 बड़े पॉइंट्स क्या हैं, आपको ग्राफिक्स की मदद से बताने की कोशिश करते हैं। तो बताया कि जम्मू कश्मीर बना विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश, धारा 370 समाप्त। बड़े फैसले से क्या कुछ बदलाव आएगा, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फैसला लिया गया है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि जम्मू कश्मीर में पहले और अब में क्या बदलाव आए हैं। पहले बाहर के लोग यहां जमीन नहीं ले सकते थे, अब जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन ले सकेंगे। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होगा, अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होगा। पहले पूरे भारत में लागू कानून यहाँ लागू नहीं होता था, अब पूरे भारत में लागू कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। पहले महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होगा, अब जम्मू कश्मीर में अब पंचायत के पास अधिकार होंगे। पहले कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को आरक्षण नहीं मिलता था, अब कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को 16% आरक्षण मिलेगा। पहले जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता था, अब जम्मू कश्मीर का झंडा अलग नहीं होगा। पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य नहीं होते थे, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य होंगे। पहले राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था, अब राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध होगा। पहले कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता मिलती थी, अब कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। पहले आरटीआई लागू नहीं होता था, अब आरटीआई लागू होगा। पहले आरईटी यानी शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता था, अब शिक्षा का अधिकार लागू होगा। पहले CJG लागू नहीं था, अब CJG लागू होगा।
तो 370 समाप्त हो गया है, इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, इसको लेकर जश्न भी मनाए जा रहे हैं, खुशियां भी बांटी जा रही है। हमारे साथ तो जम्मू कश्मीर बना विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश। धारा 370 समाप्त, धारा 370 के खात्मे पर सदन में बवाल हुआ है। पीडीपी सांसदों ने कपड़े फाड़े, कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, कहा ये कश्मीरियों के साथ अत्याचार है। वहीं सीएम रघुवर दास ने इस फैसले पर खुशी जताई है। रांची में पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरों पर रुद्राभिषेक भी किया गया है, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि जो विपक्ष के जो नेता हैं, खास करके पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के सांसदों ने कपड़े फाड़कर विरोध दर्ज किया है। तो 370 समाप्त कर दिया गया है, इसको लेकर कहीं खुशी देखने को मिल रही, कहीं पर गम देखने को मिल रहा है, इसका विरोध भी हुआ। सदन में पीडीपी के सांसदों ने कपड़े फाड़ दिए, कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए एडिटर इन चीफ न्यूज 11 के गंगेश गुंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन जी, आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि लद्दाख और कश्मीर को जो अलग कर दिया गया है, एक नया बवाल, एक नया बखेड़ा, एक नया खूनी संघर्ष शुरू हो जाए, किस रूप में आप देखते हैं भी उन्होंने इस 370 को समाप्त करने पर जो बातें रखी उसको? पहले ये समझना होगा कि गुलाम नबी आजाद ने पूरी बातें क्या कही और उसके पीछे निहितार्थ क्या थे, उनके पॉलिटिकल लाइन क्या थे, वो समझने की जरूरत है। उन्होंने जो बातें कही क्या आपके गले से नीचे उतरती है या आम जनता के गले से नीचे उतरेगी? उन्होंने कहा स्टेट बड़ा मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहा था, अब वो दौर खत्म हो चुका था, आतंकवाद का सब कुछ सामान्य हो रहा था, तब आपने ये फैसला लिया। ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरेगी। सही बात यह है कि स्टेट आतंकवाद के जिस दौर से गुजर रहा था, जिस दौर में जाना चाह रहा था, वो बेहद खतरनाक था, और जो हमारे दहलीज पर जो दस्तक दे रहा था वो अलकायदा जैसा संगठन था, जिसके लिए अपने एरिया को सेफ करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए ये समझने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि वहाँ का पॉलिटिकल नेतृत्व क्या चाहता है। आप इसको समझिए कि पॉलिटिकल नेतृत्व वहाँ पूरी तरह अक्षम हो गया था। आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, किसी भी कोई भी ऐसा चार्मिंग फेस नहीं था जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सके। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी जो लोगों को आतंकवाद की तरफ जाने से रोक सके। कोई ऐसा बड़ा दल नहीं था जो राष्ट्रवाद की बात कर सके। समय समय पर सबने हिंदुस्तान को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की, जबकि वो हिंदुस्तान के हिस्सा थे और हिंदुस्तान के पैसे पे पल रहे थे। मैं इन नेताओं को जो मौजूदा नेतृत्व में हैं कश्मीर के, उनको मैं एक पालतू नेता मानता हूं, जो इस सरकार ने, भारत की सरकार ने पाल कर रखे हुए थे और उनका पब्लिक पर कोई पकड़ नहीं थी। यही वजह थी कि आज सबसे ज्यादा जो अगर कोई तकलीफ में होगा तो वो वहां का पॉलिटिकल नेतृत्व होगा, क्योंकि वो पाले जा रहे थे यहाँ की सत्ता, दिल्ली की सत्ता द्वारा, और वो पाला जाना अब बंद होने वाला है। तो इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा जुड़ाव कानून से नहीं होता, दिल से होता है। कोई भी आदमी अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे थे उनका जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों से, जब से धर्म के नाम पर वहां आतंकवाद शुरू हुआ, किसके साथ था? आप कश्मीर में जाइए, कश्मीर के लोगों से बातचीत कीजिए, आप पर्यटक के तौर पे जाइए, वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले कितने लोग मिलेंगे आपको? अगर आप ईमानदारी से कभी आप कश्मीर गए हैं तो आपको इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कश्मीर की सच्चाई क्या है। तो अगर आप कानून से भी नहीं मानेंगे, अगर आप उन्होंने प्यार से सारी बातें मना ली गई, प्यार से सारी बातें कह दी गई, लेकिन इसके बावजूद, और सिर्फ प्यार से नहीं पैसा से भी, आप देखेंगे देश के संसाधन का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर को अपने साथ बनाए रखने पर खर्च होता है। आप देखेंगे वहां पर सुरक्षा बलों का एक बड़ी टुकड़ी मौजूद है, वो जो कि कश्मीर को अपने हिंदुस्तान से बनाए रखने में, हिंदुस्तान में बनाए रखने के लिए वहां पर मौजूद रहती है। तो ऐसे में सरकार के पास दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन ये था, जो मुझे जो पिछले काफी वर्षों से चर्चा में था, वो ये था कि जहां तक संभव हो, जब तक सद्भाव बना रहे, जब तक ये कश्मीर में जाना आसान हो, और अमरनाथ यात्रा है या फिर वैष्णो देवी यात्रा है,
वहां पर लोग जा आ सकें आसानी से, कश्मीर में पर्यटक आसानी से जा सकें। जब तक ये परिस्थिति बनी हुई है तब तक विस्फोट करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिससे वहाँ का आम जनजीवन प्रभावित हो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वो स्टेट पिछड़ने लगा था। अब अगले निशाने पर अमरनाथ यात्रियों पर पिछले साल भी या उसके पिछले साल अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, इस बार फिर अमरनाथ यात्रियों को टारगेट किया गया। इसके बावजूद आतंकवाद को निपटाने के जितने भी रास्ते अपनाए गए वो सारे के सारे रास्ते फेल हुए और तब सरकार ये फैसला लेकर आई। इसलिए आप समझें विपक्ष जब भी कुछ ऐसी बातें करता है जो गले से नीचे नहीं उतरता पूरे देश को, तब तब ये मुश्किल होती है कि उनकी बात को माने कौन, उनके साथ आए कौन। मुझे लगता है कश्मीर मुद्दे पर भी विपक्ष अलग थलग पड़ा है। यही वजह है कि विचारधारा की दृष्टि से बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी और आप यहाँ बीजेडी की बात कर लें या आप जो उनके दूसरे और भी दल हैं या एडीएमके की बात कर लें, वाईएसआर की बात कर लें, वो सभी विचारधारा से बहुत सहमत नहीं है बीजेपी के साथ, लेकिन इसके बावजूद वो उनके साथ आए क्योंकि देश के गले में अगर गले के नीचे कोई बात उतरती है तो वो ये है कि कश्मीर अलगाव के जिस रास्ते पर चला गया था उसे इसी तरह के सख्त कदमों से कदम उठाकर रोका जा सकता था। अब आपने लद्दाख की बात कही, लद्दाख में आप जो स्थितियां हैं वहां पर जो आशंका जताई जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि लद्दाख कहीं से भी उससे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि जो हिंसा जब हिंसा का जबरदस्त दौर था कश्मीर में, अभी जिस तरह से हिंसा हुई थी और धर्म के नाम पर जिस तरह से आतंकवाद को वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा था, इतना होने के बावजूद लद्दाख सेफ था, जो शिया समुदाय के लोग थे वो हिंदुस्तान के साथ बने हुए थे। तो मुझे जो आशंकाएं उन्होंने व्यक्त की हैं उसका कोई आधार नजर नहीं आता। हालांकि ये मानना होगा कि गुलाम नबी आजाद वहां के जमीनी नेता रहे हैं और उनके बोलने का मतलब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके भाषण में एक राजनेता का हताशा, एक राजनेता की हताशा बोल रही थी ज्यादा, वो सच्चाई कम बोल रही थी, भावना ज्यादा व्यक्त हो रही थी उसमें, और शायद यही वजह है वो तथ्यों से हटकर बात करते रहे। उन्होंने कहा कि पुराने भारत को तोड़ दीजिएगा क्या आप और तब नए भारत का निर्माण कीजिएगा, तो सृजन से पहले विनाश जरूरी होता है। हम कह सकते हैं सृजन, ये सृजन का दौर है, कुछ चीज़ें इसमें निश्चित रूप से नष्ट होंगी, फिर नई चीज़ों का सृजन होगा। आपने जब जो दौर देखा, मुझे लगता है कश्मीर को बहुत बहुत ज़्यादा समय दिया गया जी। इतना समय इस पंजाब को नहीं मिला, पंजाब में आतंकवाद को बहुत सख्ती से कुचला गया और निश्चित रूप से उसमें उस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और उसने बहुत सख्ती से कुचला। तो आप कश्मीर में आतंकवाद को पलने और पनपने का मौका सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है उससे आपका देश भर में वोट बैंक कहीं सुरक्षित रहता है। पंजाब में अगर सख्ती हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती जी, ये सोचने की बात है जी। जी जाहिर तौर पर गुंजन जी, जाहिर तौर पर आपने जिस तरह से कहा कि कोई चीज़ अच्छी बनने के लिए उसको जीरो से शुरू करना चाहिए और कश्मीर को बहुत समय दिया गया है, जब चीज़ें हालात वहां पर नहीं बदली है तब इस तरह के फैसले आ रहे हैं। नागालैंड की भी जिक्र किया है गुलाम नबी आज़ाद ने, नागालैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या नागालैंड में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, ये दोहरी नीति सिर्फ कश्मीर के साथ ही क्यों की जा रही है। बिल्कुल, नागालैंड में जिस तरह से जब से कार्रवाई हुई है या आप देखेंगे उसके बाद से वहाँ शांति है, और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नागालैंड कहाँ है और कश्मीर कहाँ है, कश्मीर के सामने थ्रेट कौन सा है, कश्मीर में प्लेयर कौन है जी, नागालैंड में प्लेयर कौन है ये देखने की ज़रूरत है, नागालैंड में के पीछे कौन है ये देखने की ज़रूरत है। कश्मीर में जो प्लेयर है वो पीछे है जी, वो खुले रूप में आपसे युद्ध कर रहा है पीछे रहकर और आपको सामने मुखौटा बनाकर रखता है। तो जब भी ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है तो निश्चित रूप से उसकी शुरुआत अपने घर पे करनी होती है। मोदी की सरकार ने जिस तरह से वहाँ पर हवाई हमले की बात करें, हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, हम जो कुछ भी हम इधर किया है वो ये बताने के लिए किया है कि कश्मीर को लेकर हमारा अप्रोच अब अलग है, वो कैजुअल अप्रोच नहीं है, यथास्थिति बनाए रखने की बात नहीं है,
अब उसे सुधारने की जरूरत है और मुझे लगता है ये सही समय है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने कहा और ये देखने को मिला है कि कश्मीर के मुद्दे पर लगातार राजनीति होती रही है, लोगों ने इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, ना कि इसके बदलाव के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी सब कुछ अच्छा होगा, कश्मीरियों के हित के लिए होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। ब्रिटेन में खबरें अभी और भी है, मगर यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। इधर मोदी सरकार के इस फैसले का झारखंड के सीएम रघुवर दास ने स्वागत किया है और कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिस तरह ये पाकिस्तान, जिसका नाम आतंकवाद देश पूरी दुनिया जानती है, छद्म जो युद्ध के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से कश्मीर या देश के अन्य भागों में जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं लगातार आतंकवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है और कश्मीर की घाटी के कुछ जिले पाक के द्वारा, आईएसआई के द्वारा जो आतंकवाद जिला हो चुके हैं उनको निश्चित रूप से देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि वो दो तीन जिला कश्मीर के आतंकवाद मुक्त हो। विधायक अनंत ओझा ने इस फैसले का को ऐतिहासिक बताया है और पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी है। लोगों का जो संकल्प था आज वो उसका दिवाली का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वहाँ के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसके लिए जो साहसिक निर्णय किया है वह साहसिक निर्णय के लिए बधाई के पात्र हैं। देश के ऐसे करोड़ों पूरे देशवासियों के लिए ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक संकल्प है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा, अमित भाई शाह जी ने जो कहा, उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। कश्मीर पर लिए गए केंद्र सरकार के फैसले के बाद राजधानी रांची वासियों ने भी जश्न मनाया है। रांची के दुर्वा गोल चक्कर पर स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा और बीजेपी का झंडा लेकर जश्न मनाया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। इस फैसले को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में चैनपुर मंडल बीजेपी ने भी जश्न मनाया है और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है।
मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब क्या बदलेगा, इसको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा, लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा। धारा 370 समाप्त। तो केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का जश्न मनाया जा रहा है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। सीधे रुख करते हैं, वहां हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल शारिफ, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के केंद्र सरकार के फैसले के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न का माहौल है। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, झंडा लेकर के आए हुए हैं और जश्न का माहौल यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। बात करेंगे भैरव से, भैरव बताइए कि किस तरह का। देखिए कश्मीर की जो स्थिति थी वहां पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे देशद्रोही प्रवृत्ति के लोग केवल और केवल वहां शोषण करने के लिए बैठे हुए थे। आज पूरे भारत के करोड़ों भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। हम लोगों ने 14 अगस्त की रात का खुशहाली तो नहीं देखा, मगर आज लग रहा है कि आज फिर से हमारा देश आजाद हो गया है। पहले हम केवल राष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन मनाते थे, परंतु 5 अगस्त आज उसमें एक और तारीख जुड़ गया है जो पूरे भारत के लिए एक स्वाभिमान का विषय है। जब भारत में लगा हुआ दो गंदा दाग जिसको हम लोग 370 और 35A के नाम से जाना जाता था, वो आज हट गया है हमारे सरकार के प्रयास से। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं समस्त भारतवासियों को। बिल्कुल शारिफ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन को माना जा रहा है और यहाँ पर जो है लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं। तो हमारे सहयोगी अंकुर दिखा रहे थे कि किस तरह से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जश्न मनाया जा रहा है। जो युवा हाथों में तिरंगा लिए जश्न मना रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक सनकी ने सोलर पावर पॉइंट में कार्यरत लेबा उरांव की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पावर प्लांट को प्रोजेक्ट ऑफिसर के विरोध करने के उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई। अधिकारी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। प्लांट कोई पार्क में ही काम करता था, जो महादेव उराव के घर के बगल में महादेव के खेत में सोलर प्लांट स्थापित है, उसी में ये डिप्टी के आवर में सोया हुआ था। तो महादेव उराव गया करीब 10 बजे के आसपास रात में और इसको मैंने क्या अंधाधुंध कुल्हाड़ी से वार कर दिया, तो उसी जगह इसका स्पॉट डेथ हो गया। उधर गिरिडीह में फर्जी सिग्नेचर से बैंक से राशि निकालने का प्रयास किया गया है, लेकिन बैंक प्रबंधन की तत्परता के कारण दंपति बैंक से पैसा निकालने में विफल रहे। इधर बैंक प्रबंधन ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 11। नमस्कार। सच है तो दिखे।